नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक एक कर अलग अलग याचिका दिल्ली की कई अदालतों में दाखिल कर चुके हैं। पहले ईडी की अरेस्ट की चुनौती दी थी और फिर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका दाखिल की। इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज दिया। जब हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, इसके अगले ही दिन सिंघवी ने केजरीवाल की जमानत याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी। बुधवार को एक एक कर तीनों मामलों में केजरीवाल के मामलों पर सुनवाई हुई। जाने यहां पर याचिका पर किस तरीके से कोर्ट ने अपना जवाब दिया। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वकीलों के साथ मीटिंग बढ़ाई जाए। केजरीवाल की तरफ से याचिका में हफ्ते में 4 वीडियो मीटिंग करने की गुहार लगाई गई थी। केजरीवाल अभी 2 बार वकीलों से बात करते हैं। केजरीवाल की इस याचिका को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। उधर दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जुलाई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगी। ईडी ने सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति को लेकर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। ईडी ने कहा कि हम सभी मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए केजरीवाल ने कहा यह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पर है। तो जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने तमाम याचिकाएं जो है कोर्ट में दाखिल कर रही हैं, ऐसे में सभी याचिकाओं पर क्या कुछ फैसला आएगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।